इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में आने वाली ये खूबसूरत जगह है मेघालय। मेघालय के नाम का मतलब होता है बादलों का घर। तो बादलों के घर में जब आप आए हैं तो रास्ते में बादल अब आते रहेंगे। और बादलों के इस घर में ही एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ इंडिया में ही नहीं है बल्कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ये है वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस मौसिनराम। इस खूबसूरत जगह पर नेचर कुछ ऐसी मेहरबान है कि इस जगह ने इंडिया के नाम इतने सारे रिकॉर्ड्स किए हुए हैं जो शायद आप सबको पता भी ना हो। और 2022 में मौसिनराम ने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करके 24 घंटे में सबसे ज़्यादा रेनफॉल का रिकॉर्ड बनाया। 4600 फीट की हाइट पर लोकेटेड मौसिनराम में ज़्यादातर लोग खासी कम्युनिटी के हैं जिनको नाम मिला है इन्हीं पहाड़ों से जिन्हें कहते हैं खासी हिल्स। यहाँ का कल्चर और लैंग्वेज बाकी इंडिया से काफी अलग है। हेलो 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 हेलो। और इसी बीच मुझे फाइनली एक भैया मिले जो हिंदी बोल सकते थे। और जब मैंने उनसे बारिश के बारे में पूछा तो बाप रे, बारिश में कभी आई है नहीं कभी। क्या इधर का बारिश, एक बार बारिश आ गया तो बस रुकने का नाम नहीं लेता। तो एक एक महीने तक होती है बारिश लगातार बिना रुके? एक महीने कहाँ बाप रे, एक महीना दो महीना तीन महीना तक भी होता है बारिश। दो महीने पर बारिश निकलने से, बारिश का मौसम ही इधर में बारिश होने से बोल हाँ। वो बारिश का मौसम जब तक नहीं जाएगा वो बारिश रहेगा ही। अच्छा, रुकती नहीं है फिर? पूरा एकदम वो बादल लगने से हाँ। आपको रास्ता भी दिखाई नहीं देगा, यहाँ से उधर तक भी नहीं दिखाई देगा आपको। और ये हमेशा एक महीने तक रहता है? सामने में ऐसे में सामने पहुँचने के बाद में आपको दिखाई देगा, अरे बाप रे आदमी मिल गया। अच्छा, ऐसा अंधेरा हो जाता है एकदम। आपको हिंदी कैसे आता है? यहाँ ज़्यादातर लोगों को हिंदी नहीं आती। मेरा एक्चुअली मेरा पिताजी नेपाली है। अच्छा, आपके पिताजी नेपाली हैं और माँ खासी है। माँ खासी है, अच्छा। मेरा पिताजी मतलब BSF से था पहले। BSF से? अच्छा। और मैं, मेरा पैदाशी है कश्मीर से। ये सब पूरे इंडिया का मिक्सचर है आप? कश्मीर में पैदाशी। अच्छा अच्छा। और बस कुछ देर में मौसम फिर से खराब हो गया। हमारे यहाँ जब बारिश होती है तो हम तो बारिश में अपनी विंडो या बालकनी में बैठ जाते हैं, पकोड़े खाते हैं या बाहर जाकर बारिश के मौसम का मज़ा लेते हैं। पर सोचिए अगर वही बारिश एक वीक तक चले या 15 दिन तक या फिर एक महीने तक, तब भी क्या हम ऐसे ही उसे एंजॉय करेंगे या फिर सीटी बजाकर इन लोगों की तरह बस अपने काम में लग जाएंगे। बस ऐसे ही यहाँ की महीनों लंबी चलने वाली बारिश में अब यहाँ काम तो नहीं रुक सकते, इसीलिए यहाँ के लोगों ने एक इनोवेटिव सा बैम्बो का अम्ब्रेला बनाया है जिसे हाथ से पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये अम्ब्रेला है कनूप। ये लगाने के बाद में आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी जैसे बैठ रहे, कुछ काम कर रहे, आराम से आपका हाथ तो खुला है ना। हाँ। अभी दूसरा चीज, अभी छाता पकड़ने से फिर एक हाथ से कैसा काम करेगा?
तो इससे आप खेती वगैरह कर लेते हैं क्या करते हैं? हाँ, खेत में कहीं भी बगान उगान में कहीं भी काम करने का टाइम इसी को लगा के हम काम करते हैं। अच्छा अच्छा, हल्का है तो बहुत। हाँ सही है, है। पहले तो प्लास्टिक भी नहीं देता था। अच्छा, ये प्लास्टिक है डायरेक्ट, ये पत्ता वाला आता था बाद में, तो ये पूरा एकदम सील है प्लास्टिक देने वाला। बर्फ गिरता है ना, बर्फ गिरता है, बर्फ गिरता है, बर्फ मतलब वो, अच्छा ओले ओले ओले, ओ वो गिरते हैं ना, वो गिरने से ये फट जाता है। तो ओले गिरते हैं और उससे फट भी जाता है पर प्लास्टिक। अच्छा, प्लास्टिक होने से थोड़ा सेफ रहता है। अच्छा, नहीं है। तो ओले कब गिरते हैं? नहीं, बारिश का टाइम में कभी कभी, जब फर्स्ट फर्स्ट बारिश शुरू होता है उसी टाइम में, जून जुलाई। हाँ अच्छा अच्छा, आइए ना अंदर। अच्छा, अच्छा मैंने देखा यहाँ पे ज्यादातर लोग बिल्ली पालते हैं, कुत्ते नहीं पालते हैं ना? नहीं, कुत्ते भी हैं, मतलब बिल्ली बहुत ज्यादा देखी है, वरना तो कहीं बिल्ली होती नहीं ऐसे। बिल्ली यहाँ में चूहा बहुत होता है ना, इसलिए बिल्ली को रखना जरूरी है। चूहा बहुत होता है इसलिए? तो ये लकड़ी कहाँ से मिलती है आपको? ये जंगल से हम लोग लेके आते हैं। अच्छा, आस पास ही मिल जाती है, खुद से ही तोड़ के लाते हैं? हाँ, ये लकड़ी से हम लोग चूल्हा जलाते हैं। गैस वाला नहीं यूज करते? गैस सिलेंडर भी है। अच्छा, सिलेंडर गैस भी यूज करते हैं। वैसे मैंने देखा है यहाँ पे होटल वोटल में भी लकड़ी के चूल्हे पे ही बना के दे रहे हैं खाना वाना, क्योंकि थोड़ा स्वादिष्ट मिलता है ना, स्वाद थोड़ा अलग होता है। हाँ, इस खासी घर में जाके मुझे खासी लोगों के बारे में काफी कुछ जानने को मिला और मैंने थोड़ी बहुत खासी भी सीख ली, जैसे कि खुबलई, जिसका मतलब होता है थैंक यू। बाय बाय खुबलई खुबलई। इन लोगों से मिलकर ये तो समझ आया कि यहाँ बारिश तो बहुत होती है, बट इतनी बारिश की आखिर वजह क्या है? तो जब ये नमी या मॉइस्चर वाली मॉनसून की हवा इन हिल्स से होकर जाती है तो ज्यादातर हवा यहीं रुककर बारिश कर देती है, और यही वजह है यहाँ साल भर की होने वाली 70% बारिश मॉनसून में ही हो जाती है। सिनराम ऐसे तो ज़्यादा बड़ा विलेज नहीं है, पर फिर भी यहाँ इतने स्कूल्स हैं कि सिर्फ 100 मीटर के एरिया में ही मुझे 3 स्कूल्स मिल गए। हेलो। और यहाँ स्कूल के बच्चों के हाथ में भी बैग के साथ साथ एक अम्ब्रेला भी ज़रूर रहता है। हेलो। और बारिश के सीज़न में यहाँ असेंबली भी क्लासरूम के अंदर ही होती है। पर बारिश इन बच्चों की एनर्जी को बिल्कुल भी नहीं भिगा पाई। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग क्रिश्चियंस हैं, तो इसलिए यहाँ बहुत सुंदर चर्चेस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। भले ही यहाँ लैंग्वेज गैप काफ़ी था, पर मुझे जब भी मौका मिला मैंने इन लोगों के बारे में जानने की कोशिश की। आपके कपड़े कैसे? कपड़े साड़ी साड़ी है खासी। तो खासी ये जेंट्स का है? जैन से हम। अच्छा, आप मोहसिनराम में रहते हैं? क्या
हेलो बेटा, सिस्टर आपकी सिस्टर है तो सिस्टर है आपकी कौन है फिर? हिंदी नहीं आती? हिंदी नहीं, इंग्लिश इंग्लिश अपनी लैंग्वेज बोलने वालों से भी दूर था, पर फिर भी यहाँ अपनेपन की मुझे कोई कमी नहीं लगी। बाय बाय खुबले खुबले। हो सकता है हम किसी ऐसी जगह पर हों कभी, जहाँ लोग हमसे दिखने में, बोलने में या कल्चर में काफ़ी अलग लगे, पर यकीन मानिए अगर आप ढूंढेंगे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो इतना अलग होने के बाद भी हम सबको एक बनाती हैं।